हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सीढ़ी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। झारखंड पीजीटी, जी हां, झारखंड पीजीटी का जो डेट था फॉर्म फिल करने का, वो दूसरी बार बढ़ गई है। 1 नवंबर से बढ़ा करके अगेन इसको 22 नवंबर कर दिया गया है। अब यहां पर ना मेरे पास बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आना लाजमी भी बनता है, बिकॉज ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में एक डर बैठ रहा है, क्योंकि झारखंड का जो इतिहास रहा है एग्जाम्स को लेकर डेफिनेटली वो काफी बुरा है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जिसमें कंट्रोवर्सी होना ही होना है, वही है, रिजल्ट्स पेंडिंग होते हैं, एग्जाम्स भी डिले हो जाते हैं, एग्जाम्स होके कैंसिल हो जाते हैं, ऐसा डेफिनेटली झारखंड में देखा गया है। राइट नाउ क्या करें सर अभी? अगर ध्यान से चीजों को आप देखेंगे ना, तो झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके ऑफलाइन होते हैं, बट झारखंड पीजीटी जो है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। एंड जो पहले आपका, यानी कि लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें कोई कंट्रोवर्सी इस तरह की बहुत ज़्यादा नहीं देखी गई, थोड़ी बहुत हुई थी, वो तो होना ही है भाई, झारखंड है तो हो गई। बट राइट नाउ यहाँ पर ना एक डर बैठ गया स्टूडेंट्स पर कि सर करें क्या, अब आगे का क्या होगा, क्या हम पढ़ाई करें नहीं करें, डेट कैसा होगा, सरकार एग्जाम लेगी कि नहीं लेगी, सर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या कोई फिर से केस हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, करना क्या है। और होना लाजमी भी है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, होना लाजमी भी है। देखो यहाँ पर मैं खुल की बात बोलता हूँ, 1 नवंबर से 22 नवंबर तक फॉर्म का डेट हो गया, तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हर चीज़ों के डिमेरिट से मत देखो, कुछ मेरिट्स भी देखो। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा था जिनका आवासीय वगैरह नहीं बन पाया था, अब आपके पास टाइम हो गया, उसको फिल कर लो, बना लो, ठीक है, एक वो मिल गया। दूसरा, बहुत सारे का रिजल्ट पेंडिंग था, वो अब आने का टाइम मिल जाएगा पे, बस तो वो चीज़ कंप्लीट कर लो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में जो इशूज थे अब उसको फिल कर लो, पहला तो वो। दूसरा, दो टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास अभी देखने को मिल रहे हैं, एक वो है जो अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, एंड वो एक वो है जो ऑलरेडी अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि पता है झारखंड पीजीटी का पहला बैच चल रहा है और ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। अब खत्म होने के कगार पर है तो भाई जो ऑलरेडी उसमें पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि आपका जो टाइम है अब बहुत ज्यादा उसको रिविजन में लगाइए। देखो अभी तक हम लोगों ने सोचा था कि जो एग्जाम है वो अराउंड आपके जनवरी के आसपास में हो जाना चाहिए, बट अब जैसा सिनेरियो है, जिस तरह से डेट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो अब जो हमें जो चांसेस लग रहा है कि वो भैया एग्जाम डेट ना मार्च अप्रैल में चला जाएगा। तो मार्च अप्रैल में चला गया मतलब आपके पास यहाँ पर से एक्स्ट्रा आपको कितने मौके मिल रहे हैं, लगभग आपको 3 से 4 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाने वाला है। अब इस 3 से 4 महीने का ना आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं वो रिविजन कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है रिविजन मारिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी पॉसिबिलिटीज है रिविजन कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी कोर्सेज में कंटिन्यूअसली जो लाइव क्लासेस हैं वो आपके लिए चलते रहेंगी टिल द एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक चलेगी। एमसीक्यूज हम लोग आपके लिए भर भर के लाते रहेंगे, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जो अभी भी सोच रहे हैं कि करना क्या है, यार ये मौके आपके लिए ही है, लिटरली बोलूं तो ये मौका आपको मिला है कि अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना, राइट नाउ ये वो टाइम है जहां से आप अपना एग्जामिनेशन की तैयारी को ना स्टार्ट करो, बूस्ट दो, क्योंकि यही वो समय है। देखो मार्केट में कोई डेफिनेटली इस तरह का कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से, दैट्स वाई हम लोग आपके लिए ऑलरेडी कोर्सेज में हैं जिसमें आपको PDF नोट्स भी दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है ताकि वो भी इशूज ना हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक खुल के बात बोलता हूँ, अभी भी एग्जाम की डेट अब आगे बढ़ेगी, उसका बेनिफिट उठाइए। ये मत सोचो कि यार ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, एग्जाम कैंसिल होगा, अरे यार होना होगा तो होगा, होना होगा तो हो जाएगा, वो आपके बस में है भी नहीं। एक सिंपल सी बात, ये आपके बस में नहीं है, आप जा करके बीच है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हो, सिंपली क्यों सोच रहे हो, आप उसके बारे में सोचो जो आपके बस में है। राइट नाउ आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी तैयारी पर फोकस करना है, जितना ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा हो सके ना उतनी मेहनत करो, 1 बार पढ़ो 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो 4 बार पढ़ो, रिविजन्स मारो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, एक बार पढ़ लेने से सक्सेस हाथ में नहीं आती है। तो अभी आपके पास मौका है, अभी टाइम है, डेट आगे बढ़ा है, अपॉर्चुनिटी एक तरह से बोल सकता हूँ मिल गया है, इसका बेनिफिट उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी भी सोच रहे थे तो भाई अब तो सोचना बंद करो यार, कब तक सोचोगे, सोचते सोचते एग्जाम पास आ जाएगी, फिर बच्चों से सर अब 10 दिन बचा है, 1 महीना बचा है, सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं क्या आंसर दूंगा बताओ।
जाहिर सी बात है, मैं हौसला बढ़ाने के लिए आपको कभी नहीं बोलूंगा कि नहीं यार नहीं होगा, बिल्कुल करोगे तो हो जाएगा, बट लिटरली सच ये होता है कि हाँ एक महीने में बहुत ज्यादा तीर आप नहीं मार सकते हो। तीर मारना है तो अभी ही प्रैक्टिस करना होगा। एक दिन में आप तीर चलाओगे और वो सही जगह पे लग जाएगा, इसके चांसेस कम है। उसके लिए कई दिनों का प्रैक्टिसेस, कई सालों का प्रैक्टिसेस की नीड होती है। सो राइट नाउ आपके पास मौका है, उसका यूज कीजिए। टाइम आगे बढ़ी है, उसका बेनिफिट उठाइए। ये मत सोचिए कि एग्जाम सब नहीं होगा या फिर ये होगा वो होगा। झारखंड में ऑनलाइन बहुत कम होते हैं, पीजीटी ऑनलाइन है तो करप्शन के चांसेस बहुत ही कम हैं। सो इसका बेनिफिट उठाइए। जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, बीएड है, इनके लिए बढ़िया मौका है। सो देरी नहीं करना, राइट। चलो फिर मिलेंगे क्लासेस में। प्रॉपर स्टडी कीजिए एंड ध्यान देना है, इशूज नहीं बनाना यार। कितनी चीजों का इशूज बनाओगे, कितने सोचोगे, आप कंट्रोल में नहीं है ना। मैंने खुल के बोला आप कंट्रोल में नहीं, आप कंट्रोल में क्या है, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडीज। तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी, राइट। चलो फिर मिलते हैं क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।